हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फॉर एपी लैब में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टीएसएस टेस्ट के बारे में। तो टीएसएस टेस्ट को हम एलाइजा मशीन में हम इसको कैसे कैलिब्रेट करते हैं टीएसएस को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, ये हमारी किट है, कैल बायोटेक कंपनी की किट है टीएसएस की। दिखाइए ज़रा इसको, ये देखिए, ये टीएसएस टेस्ट की जो है किट है कैल बायोटेक कंपनी की। तो इसमें जो है हमारे सेवन कैलिब्रेटर्स को निकाल के रखेंगे। निकालिए, इसमें सेवन कैलिब्रेटर हैं, सबका जो है रेंज जो है सबका अलग अलग दिया गया हुआ है। सबसे पहला जो हमारा स्टैंडर्ड कैलिब्रेटर है, उसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 0.00 होती है। ऐसे ही सेवन कैलिब्रेटर दिया गया, सबकी नॉर्मल रेंज अलग अलग है। सेकेंड है 0.5, थर्ड है हमारा 2.5, और फोर्थ है हमारा 5, फिफ्थ है 10, सिक्स है 20, सेवन्थ है 40। सबकी नॉर्मल रेंज अलग अलग दी गई है। तो हम सबसे पहले कैलिब्रेट करने के लिए क्या करेंगे, सारे कैलिब्रेटर निकाल के रखेंगे। इसमें जो है चार रिएजेंट होते हैं, रिएजेंट निकाल के दिखाइए कौन सा है। ये हमारा टीएमबी सब्सट्रेट है, ये देखिए टीएमबी सब्सट्रेट। और नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट कौन सा रिएजेंट है। नेक्स्ट हमारा ये है एंजाइम कॉन्जुकेट, ठीक है। और नेक्स्ट दिखाइए, हम ये हमारा जो है स्टॉप सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये कौन होगा उस, वो जो है वॉशर है, वॉश करने के लिए प्लेट को वॉश करने के लिए वॉश कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये चार रिएजेंट हो गए और ये सेवन स्टैंडर्ड हो गए। तो मशीन को कैलिब्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इसकी प्लेट निकालिए। अब प्लेट लेना है, प्लेट लेने के बाद में इसमें जो है हमें सेवन कप्स लगाने हैं स्टैंडर्ड कैलिब्रेट करने के लिए, और तीन सैंपल लगाना है साथ में, तीन पेशेंट का सैंपल लगाना है और सेवन कैलिब्रेटर। तो साथ में कैलिब्रेट भी कर लेंगे और तीन पेशेंट का सैंपल भी लगा लेंगे, साथ में टेस्ट भी लगा लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक एक कैलिब्रेटर जो है 50 माइक्रोलीटर एक कप में लेना है। तो जितने भी सेवन कैलिब्रेटर हैं, तो सेवन कैलिब्रेटर में से हर एक में से 50 माइक्रोलीटर एक कप में डालना है। तो सबसे पहले जीरो वाला उठाइए, फर्स्ट स्टैंडर्ड है हमारा 0.0, जिसकी नॉर्मल रेंज है 0.00। तो इसमें से 50 माइक्रोलीटर लेना है, पहले वाले कप में डालना है। उसके बाद नेक्स्ट लेना है सेकंड, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 0.5 है। ये हमारा सेकेंड स्टैंडर्ड है, जिसकी नॉर्मल रेंज 0.5 है। तो ये इसको जो हम सेकेंड वाले कप में 50 माइक्रोलीटर ले लेंगे। फिर नेक्स्ट थर्ड है हमारा 2.5, तीसरा हमारा 2.5। देख लीजिए, इसका जो नॉर्मल रेंज दिया गया है ये 2.5 दिया गया है, स्टैंडर्ड नंबर थर्ड है, ठीक है। इसमें से 50 माइक्रोलीटर लेना है और सी वाले कप में रखना है। इसमें जो है ऑलरेडी जो है एक सीरियल नंबर दिया गया है ये, ठीक है। ऐसे ही सब में से लेके डालना है। ये हमारा फोर्थ है, फोर्थ की जो नॉर्मल रेंज है वो है 5.0। इसको रखेंगे डी वाले में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, जिसकी नॉर्मल है 10 होती है। इसको जो है 5 नंबर में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर, जिसकी नॉर्मल रेंज जो है 20 माइक्रोलीटर आती है। ये है टीएसएस स्टैंडर्ड नंबर 6, ठीक है। इसमें से 50 माइक्रोलीटर लेना है, 6 वाले कप में डालना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट वाला 7 नंबर, जिसका ओडी जो है 2.379 के आसपास होता है, और इसका जो है नॉर्मल रेंज जो होती है वो होती है 40, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड नंबर 7 है।
ठीक है, 50 माइक्रोलीटर निकाल के 7 नंबर वाले कप में डाल दिए। ठीक है, अभी मैंने जो है 7 के स्टैंडर्ड जो कैलिब्रेटर है इसके, वो मैंने निकाल के रख लिए हैं। उसके बाद अभी जो है हमें क्या करना है, 3 पेशेंट का जो है टेस्ट लगाना है, TSH टेस्ट लगाना है। तो साथ में हम कैलिब्रेट करते समय टेस्ट भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाना है वो मैं अभी आप लोगों को मशीन में लगा के दिखाऊंगा। तो क्या करना है, पहले फर्स्ट वाले पेशेंट का जो है 50 माइक्रोलीटर सीरम लेना है। ठीक है, 50 माइक्रोलीटर सीरम लेना है, लास्ट वाले कप में डालना है, स्टैंडर्ड के बाद वाले कप में। उसके बाद जो है नेक्स्ट पेशेंट का सीरम लेना है 50 माइक्रोलीटर, नेक्स्ट कप में डालेंगे। फिर उसके बाद एक और है लास्ट में 50 माइक्रोलीटर पेशेंट का सीरम लेना है। लास्ट वाले कप में डालना है। ठीक है, अभी क्या किया है मैंने, 7 कैलिब्रेटर और 3 पेशेंट का सीरम जो है मैंने निकाल लिया है। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, 50 माइक्रोलीटर जो है कैलिब्रेटर या सैंपल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है हम 100 माइक्रोलीटर जो है कॉन्जुगेट ऐड करते हैं। एक रेजिन मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, फिर से दिखा दीजिए ज़रा। ये हमारा एंजाइम कॉन्जुगेट जो कि 100 माइक्रोलीटर डालना है, सब में ऐड करना है 100 माइक्रोलीटर। तो सबसे पहले क्या करना है, 50 माइक्रोलीटर जो है सीरम लेना है पेशेंट का, सीरम या कैलिब्रेटर या स्टैंडर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है 100 माइक्रोलीटर एंजाइम कॉन्जुगेट ऐड करना है उसी सीरम में, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं 100 माइक्रोलीटर सब में ऐड करना है एंजाइम कॉन्जुगेट। और ये हमारे लैब टेक्नीशियन हैं दीपक कुमार, बहुत ही अच्छे स्वभाव के टेक्नीशियन हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम भी करते हैं, जैसा कि आप सभी लोग अभी देख पा रहे हैं। ये इनको जो है एलाइजा के बारे में पूरी जानकारी है, आप किसी भी समय जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं चैनल के थ्रू। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि दीपक जी ने अभी जो है सब में 100 माइक्रोलीटर जो है कंजुकेट जो है ऐड कर लिया है। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको जो है 10-20 सेकेंड तक जो है इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में इसका जो है 1 घंटे का इंक्यूबेशन टाइम चलेगा, 37 डिग्री पे जो है इसको हम 1 घंटे तक इंक्यूबेट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं जो है टाइमर सेट कर रहे हैं 1 घंटे का, इसको जो है 37 डिग्री में जो है 1 घंटे के लिए रखना है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं इसका जो है 1 घंटे का जो है टाइमिंग चल रहा था वो जो है कंप्लीट होने वाला है। तो इसके बाद क्या करना है हमें, प्लेट निकालना है। 1 घंटे की टाइमिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो अब क्या करना है, प्लेट को निकालेंगे और इसको जो है हमें 5 टाइम वॉश करना है। इसको जो है इस प्लेट को हमें 5 टाइम मैनुअली वॉश करते हैं, वॉश कर सकते हैं, या फिर इसके लिए एक मशीन भी आती है उससे भी वॉश किया जाता है वॉशर। इसमें जो है 300 माइक्रोलीटर जो है सब में वॉशर सॉल्यूशन डाल के जो है वॉश करना है। हाँ, तो फ्रेंड्स इसका जो है 1 घंटे का टाइम जो है पूरा हो गया था, तो मैंने जो है अभी जो है प्लेट को वॉश करके रख लिया हुआ है। तो अभी क्या करना है, इसमें जो है TMB सब्सट्रेट होता है उसको जो हमें 100 माइक्रोलीटर जो है सभी वॉल्स में ऐड करना है। ये हमारा जो है TMB सब्सट्रेट है, ये मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ, देख लीजिए एक बार फिर से। तो इसको वॉश करने के बाद में जो है इसमें जो है 100 माइक्रोलीटर जो है सब में ऐड करना है ये TMB सब्सट्रेट, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं।
सभी वायल्स में 100 माइक्रोलीटर ऐड करना है। ये हमारे होनहार दीपक जो है बहुत मुस्कुराते बहुत हैं। तो दीपक जी, आप टेस्ट लगाते हैं, आपको कैसा फील होता है? आई होप कि आपको अच्छा ही फील होता होगा। जैसा कि ये TMB सबसेट ऐड करने के बाद में जो है, इसमें जो है एक हल्का ग्रीन ग्रीन कलर का जो है, इसमें जो है कलर जनरेट होगा। देख लीजिए जो किसी किसी में जो है कलर आने लगा है धीरे धीरे। वो स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका जो है स्टैंडर्ड कितना है, उसके हिसाब से जो है इसमें कलर जनरेट होने लगता है। जैसे 0 का एकदम नहीं है, जो 20, 40, 10, 5 माइक्रोलीटर है उसका जो है कलर जो है आने लगा है धीरे धीरे। इसको जो है हल्का सा मिक्स करने के लिए जो है इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, वो भी डार्क में। तो इसको जो है 15 मिनट के लिए डार्क में रख दीजिए। डार्क में रखने के बाद में जो है इसको जो है हल्का सा ढक देंगे, और इसमें जो है 15 मिनट के बाद जो है इसमें एक और एजेंट ऐड करके जो है हम इसको जस्ट रीड कराएंगे एलाइजा रीडर में। सभी आप सभी लोग देख सकते हैं, इसका जो है 15 मिनट का टाइम जो है कंप्लीट होने वाला है। तभी क्या करना है, हमें प्लेट को निकालना है और इसमें स्टाफ सोल्यूशन ऐड करना है। निकालो, प्लेट को निकालो, फिर डालने की बात होगी। ये देखिए, इसमें जो है हल्का हल्का जो है कलर जो है जनरेट हुआ है सामने। देखिए जो इसमें जो है कलर जनरेट हुआ। अभी इसमें स्टॉप सोल्यूशन डालेंगे तो इसका जो है कलर जो है येलो कलर का हो जाएगा। अब सभी में 50 माइक्रोलीटर जो है स्टॉप सोल्यूशन ऐड करना है। ये जो है हमारा स्टॉप सोल्यूशन है, यही जो है सब में 50-50 माइक्रोलीटर जो है ऐड करना है। इसमें स्टॉप सोल्यूशन डालते ही जो है सब में जो है कलर जो है हल्का हल्का चेंज होने लगेगा। जैसे जैसे जो है TSH हमारा हाई होता है, उसी प्रकार से इसमें जो है कलर जनरेट होता है। जैसे कि फर्स्ट वाला हमारा 0-0 था, तो उसमें जो है कोई कलर जनरेट नहीं हुआ है। उसके बाद से जो है हमें कलर जनरेट होने लगा, जैसे 0.5, 5, 10, 20, 40 ऐसे था करके, उसी प्रकार से इसमें जो है कलर जनरेट हुआ है। अभी क्या करना है, अभी जो है हमें TSH में मशीन में जो है कैलिब्रेट इस पर जो है इसको सिलेक्ट करना है। ये हमारी जो है उसकी मशीन है, इसमें क्या करना है हमको जो है इसको TSH को सिलेक्ट करना है। TSH पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है रन पे क्लिक करना है। रन पे क्लिक करने के बाद जो है इसमें जो है नंबर ऑफ कैलिब्रेटर ले लेगा, ऑलरेडी 7 कैलिब्रेटर थे, ठीक है। उसके बाद जो है हमें जितने सैंपल लगाना है, वो हमें जो है यहाँ पर क्लिक करके नंबर ऑफ सैंपल जो है डालना पड़ेगा, कितने सैंपल लगाना है। नंबर ऑफ सैंपल पर जो है क्लिक करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल पर क्लिक करेंगे और कितने सैंपल लगाना है अभी हमें को 3, तो 3 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है इंटर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। देखिए ये ले लिया, यहाँ पे जो हमें कंट्रोल लगाना है स्टैंडर्ड जो लग रहा है उस पर C बना हुआ है, और जो हम सैंपल लगा रहे हैं उस पर S1, S2 और S3 करके शो करेगा, ठीक है। वेन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना है, रन करना है, ठीक है। रन करने के बाद में जो है इसमें जो है एक ट्रॉली निकलेगी, जिसमें जो हमें प्लेट को लोड करना है। ये इसमें जो हमें प्लेट को लोड करना है, स्टॉप सोल्यूशन डालने के बाद में इसमें जो है प्लेट को लोड करना है। लोड करने के बाद में जो है इसको यहाँ पर क्या लिखा है, इस प्लेट लोडेड। अब हमारी प्लेट जो है लोड हो चुकी है, क्या करना है, यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है प्लेट अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो है प्रोसेस चल रहा है, थोड़ी देर के लिए जो है ये प्रोसेस चलेगा।
ये जो है इसका जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे जो है लिख के आएगा प्लेट जो है रिमूव करने के लिए, यहाँ पे लिखा है इस प्लेट रिमूव्ड, ठीक है। तो यहाँ से प्लेट को निकालेंगे, ठीक है। प्लेट को निकालने के बाद यहाँ पे यस करना है, ठीक है। यस करने के बाद में